हाँ देखो बेटा, मटेरियल्स में जो आपका टॉपिक है ना, लास्ट टॉपिक है इस पार्ट का अर्थ मैग्नेटिज्म का। पहले बार मैग्नेट पढ़ लिया था, फिर हमने अर्थ मैग्नेटिज्म पढ़ लिया, ठीक है। और उसके बाद ये मैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में कुछ कुछ बताया गया इस चैप्टर में। वही बात है कि एडवांस के कोर्स में नहीं है, क्योंकि अभी भी रिसर्च जारी है इस पर। पूरा एग्जैक्ट क्या किस वजह से मटेरियल में मैग्नेट में बिहेव करते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, वो तो स्टिल अनएक्सप्लोर्ड है। बट जो जो थ्योरीज बताई गई हैं थोड़ी थोड़ी, वो मैं आपको बता रहा हूँ उसमें, ठीक है ना। नहीं तो अभी बहुत ज़्यादा रिसर्च बाकी है इस फील्ड में, ये समझ लो आप। अभी भी बहुत ही हॉट टॉपिक है ये रिसर्च का आगे, ठीक है ना, मैग्नेटिक मटेरियल्स के नाम से। तो आप पढ़ेंगे जब आगे क्लासेस में जाएंगे। मैं आपको बहुत ब्रीफ ओवरव्यू बता रहा हूँ, जिससे हमारा मेंस का प्रॉब्लम बन जाए मेनली, ठीक है। तो पहला, सबसे पहला इसमें एक टर्म आता है, गायरो मैग्नेटिक रेशियो। किसे कहते हैं गायरो मैग्नेटिक रेशियो, क्या होता है? गायरो मैग्नेटिक रेशियो, ये क्या होता है गायरो मैग्नेटिक रेशियो? इलेक्ट्रॉन क्या है, सर्कल में घूम। हाँ बोलिए बेटा। हाँ 3 बजे है वो क्लास, आज 3 बजे मैसेज करूंगा। अभी देखो सब बैचेस में सही रहा तो 3 बजे हो जाएगी, कहीं तो 4 बजे तो है ही। और मैकेनिकल वेव्स कंटिन्यू करेंगे उस, ठीक है। तो गायरो मैग्नेटिक रेशियो का मतलब देख लीजिए बेटा, इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा है न्यूक्लियस के, ठीक है ना। तो आपको पता है कि इस तरह से एक करंट हम बना सकते हैं, सर्कुलेटिंग करंट। और हर सर्कुलेटिंग करंट के कॉरेस्पॉन्डिंग एक डाइपोल एम वेक्टर डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आवाज नहीं आ रही, बाकी लोग बताइए बेटा। देखो ना, वापस जाके आ जाओ, एक बार आ जाएगी। हाँ चलो ठीक है, ये गायरो मैग्नेटिक रेशियो निकालना है हमको। उसका क्या मतलब है, पहले ये समझो कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रहा है, तो एक सर्कुलेटिंग करंट फॉर्म कर रहा है, ठीक है ना। ये एक सर्कुलेटिंग करंट फॉर्म कर रहा है, तो उस करंट की वैल्यू भी आपको निकालनी आती है। निकाल सकते हैं ना, क्यू ओमेगा अपॉन 2 पाई बताई थी आपको। ये एक इलेक्ट्रॉन एक पॉइंट से कितने टाइम में निकल जाएगा, तो क्यू अपॉन कैपिटल टी, क्यू अपॉन 2 पाई बाई ओमेगा। तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है स्मॉल ई, तो ई ओमेगा अपॉन 2 पाई करंट चलेगी इसमें, ठीक है। तो ये करंट चल रही है, तो सर्कुलेटिंग करंट है, तो इससे आपका एसोसिएटेड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या लिखोगे, आई इंटू ए तो लिखोगे, ठीक है ना। आई की वैल्यू उठा के रख दो यहाँ से, तो कितना आ जाएगा, ई ओमेगा अपॉन 2 पाई, और मान लो आर रेडियस के उसमें घूम रहा है, तो पाई आर स्क्वायर आ जाएगा ये। तो ये आ गया ई ओमेगा आर स्क्वायर अपॉन 2 आ गया, ठीक है ना। अब मैं एंगुलर मोमेंटम की टर्म में लिखना चाहूँ, तो एम ओमेगा आर स्क्वायर एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा, ठीक है ना। हियर मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर मैं लिखूँ तो क्या हो जाएगा, आई ओमेगा। तो एम आर स्क्वायर इंटू, हाँ एम आर स्क्वायर ओमेगा हो गया। तो आपका रेशियो देख रहे हैं क्या बेटा, क्या आ रहा है मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम का, वही आ रहा है जो आप ऑलरेडी जानते हैं। क्योंकि मैंने कहा कि मास वैसा ही एक पॉइंट पर रखा है, चार्ज भी पॉइंट पर रखा है, तो मास का डिस्ट्रीब्यूशन सेम है। तो ये आना ही था, जो आ रहा है कि एंगुलर मोमेंटम, मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम का रेशियो इसके बराबर आएगा। आप देखो इसमें ई ओमेगा आर स्क्वायर अपॉन 2 एम ओमेगा आर स्क्वायर आ गया, तो कितना आ गया, ई बाई 2 एम आ गया, ठीक है ना। तो ये क्या कहलाता है, ई बाई 2 एम इज कॉल्ड ई बाई 2 एम। सब फिक्स है, तो इसकी वैल्यू भी फिक्स है, कितनी आती है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, याद नहीं करनी, ई बाई 2 एम ध्यान ही आपको, ठीक है ना। तो ई बाई 2 एम इज कॉल्ड गायरो मैग्नेटिक रेशियो। तो इस रेशियो का नाम रख रखा है इलेक्ट्रॉन एटम के केस में, गायरो मैग्नेटिक रेशियो, ये गायरो मैग्नेटिक रेशियो कहलाता है, ठीक है ना, मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम का रेशियो।
ठीक है, तो एक तो ये इम्पोर्टेंट हमें याद रखनी है, कभी मेंस वाला कुछ पूछ ले, और दूसरों की एनसीईआरटी में मेंशन है बेटा, इसलिए बस, बाकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कभी पूछी गई है वैसा नहीं, बट एनसीईआरटी में मेंशन होने की वजह से जरूर पूछी जा सकती है मेंस के पेपर में। और दूसरा जो टर्म आ रहा है आपका, वो आ रहा है बोर मैग्नेटोन किसको कहते हैं, ठीक है ना, बोर मैग्नेटोन किसको कहते हैं। तो आपने ये भी देख लिया कि ऑर्बिटल मोशन की वजह से इलेक्ट्रॉन के एक मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएट हो रहा है जो आपने निकाल लिया, ठीक है। बोर मैग्नेटोन क्या होता है देखो, तो अकॉर्डिंग टू द बोर एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल, ठीक है ना, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा एटम में, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है हमेशा, एंगुलर मोमेंटम होता है NH/2π होता है, ठीक है ना। तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू पॉसिबल कितनी हो सकती है, इसकी मिनिमम वैल्यू पॉसिबल n को 1 डाल दो, इससे कम नहीं हो सकता ये एंगुलर मोमेंटम। तो इसकी एक मिनिमम वैल्यू है, इसलिए आपके मैग्नेटिक मोमेंट की भी एक मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। मॉड ऑफ एम अपॉन मॉड ऑफ एल हमेशा किसके बराबर होगा, E/2m के बराबर होगा, ठीक है, यही होता है मॉड ऑफ एम अपॉन मॉड ऑफ एल इक्वल्स टू E/2m। तो मॉड ऑफ एम की मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो तभी होगी जब आपके मॉड ऑफ एल की मिनिमम वैल्यू है, ठीक है ना, और वो आपको पता है, तो आपका मैग्नेटिक मोमेंट की मिनिमम वैल्यू आ गई E/2m इंटू H/2π। तो इस वैल्यू को मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज कॉल्ड बोर मैग्नेटोन, ठीक है। तो ये वैल्यू भी फिक्स आएगी, EH/4πm आ गई है, EH/4πm, तो ये वैल्यू आ जाएगी 9.27 इंटू 10^-24 एम्पियर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो दिस मिनिमम वैल्यू, ऑफ एम वेक्टर, दिस मिनिमम वैल्यू ऑफ एम वेक्टर इज कॉल्ड, दिस मिनिमम वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड एम वेक्टर इज कॉल्ड बोर मैग्नेटोन, ठीक है ना, इसको ही हम क्या बोल रहे हैं, बोर मैग्नेटोन बोल रहे हैं, ठीक है। तो यहां तक बात क्लियर है बेटा, दो कॉन्सेप्ट आपके।